Assalamu alaikum, bismillah rahman rahim. Welcome to Ali Programmer. Last time मैंने आपको lecture में बताया था कि जैसे हम मतलब update करना चाहें हम डाटा update कर सकते हैं. अब मैं कह रहा हूँ अगर इस डाटा को delete करना तो हम delete कैसे करते हैं, तो मैं अपना lecture start करता हूँ. delete सबसे आसान तरीका है यहाँ पे. delete के ही सबसे आसान है डेटा बेस में ऐसा चीज करना है. तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जाऊंगा और इसके लिए ओरिजिनल फाइल है ये. मैं एक और बटन क्रिएट कर लूंगा बटन क्रिएट भी रैप कंटेंट हाई की रैप कंटेंट का मतलब होता है ऑटोमेटिक जितना भी फाइल हो गया टेक्स्ट के मैच में टेक्स्ट के लिए ना डिलीट ठीक है. यस आईडी बीटीएम डिलीट और इसके बाद मैं इसको ब्लॉक करूंगा बीटीएम थोड़ा ठीक है. इसके अंदर ब्लॉक मैं करूं जस्ट के ऊपर क्लिक हो डिलीट भी तब होना चाहिए जब सर्च हो रहा था. पहले सर्च करके हम देखें फिर डिलीट कर सकें. ऐसे ना हो कि हम डिलीट करके क्लिक करें और मैं वही सी वाले को यूज करूंगा और डिलीट करूंगा. तो मैं अगर मैं डिलीट को बजाय से क्लिक हो तो मेरा एक्शन क्या परफॉर्म हो मैं इसको डिलीट में बना लेता हूँ. is equal to button and user id dot btn delete. ठीक है. मैं कहूँ जैसे इसके ऊपर क्लिक हो डाटा क्या डिलीट हो जाते हैं. यहाँ से मैं इसमें इसका स्टार्ट होना btn delete दो सेट कॉन्फ़िगरेशन न्यू वन टू इसमें ठीक है. जैसे इसके ऊपर क्लिक हो क्या होगी डाटा बेस में कौन सी चीज़ इसके ऊपर डिलीट की है. मैं डिलीट ऑन टीबीएल ठीक है. वेयर प्रोडक्ट आईडी ठीक है. मैं स्पेलिंग ऐसे मैं कहता हूँ किस को डिलीट करें या किस प्रोडक्ट को डिलीट करें जिसकी आईडी भी हो प्लस एनकैटिनेशन यूटी प्रोडक्ट आईडी उससे गेट टैग करो उसको ठीक है. मैं कहता हूँ तब तक डिलीट ना हो जब तक सर्च ना हो जाए. मैं कहता हूँ सर्च इज इक्वल टू टू हो तब ये एक्शन परफॉर्म हो एल्स क्या करें और बैगी एक तो शो करें प्लीज सर्च पास देन डिलीट बटन ठीक है. उसके बाद लंच और दोस्तों जब तक सर्च ना हो जाए तब तक ये डिलीट ना हो. तो उसके बाद मतलब तब ये सर्च हो गया तो उसके बाद ना शो होना चाहिए डाटा डिलीट हो जाता है. डाटा डिलीटेड या डाटा सर्च डिलीटेड हुआ भी हो जाता है ठीक है. उसके बाद मैं कहता हूँ जो भी डाटा है वो डाटा कर दो ठीक है. जैसे इसके ऊपर क्लिक होगा डाटा क्लियर भी हो जाएगा और डिलीट भी हो जाएगा. अगर सर्च हुआ होगा पहले तो मैं अपनी ऐप चला के दिखाऊंगा आपको. ठीक है. तो ये मेरी ऐप लॉन्च हो चुकी है ठीक है. लॉगिन और एप्लीकेशन इसके बाद जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ कहता है प्लीज सर्च पास. मैं जब तक सर्च नहीं करूँगा तब तक ये लीड नहीं करेगा. डिलीट सारा डाटा डिलीट यहाँ पर भी हम बिफोर डाटा करके देखते हैं देखें तो आईडी डिलीट हो चुकी है. तो मेरा हमारा डिलीट सक्सेसफुली हो रहा है. तो अब हम आईडी यहाँ पे मैनुअल लेते हैं. हमें पता होना चाहिए कि हमें आईडी देनी ना पड़े. जैसे हम एक रसीद नंबर या एक प्रोडक्ट नंबर के अलावा होता है या पर्ची नंबर का ऑटोमेटिक ही कह रहा होता है तो उसको ऑटोमेटिक ही देनी चाहिए. तो मैं नेक्स्ट स्टोरी में आपको बताऊंगा यहाँ पे नेक्स्ट गेट नेक्स्ट आईडी ऑटोमेटिकली कैसे फैच करनी है और कैसे हम वो करते हैं काम.
कम अपना लाइक कर दीजिए, वाइंड अप करूंगा। अगर आपको कोई मसला है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज शेयर भी जरूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।